फ्रेंड्स, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाओगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद से यहाँ पे आपको टाइप करना होगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DMRC। DMRC जैसे यहाँ पे टाइप करोगे तो जो एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का शो हो जाएगा, जो इसका लोगो है कुछ इस टाइप का। आपको यही वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, आपको दूसरा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करना है, तो उसमें क्या कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ऑफिशियल ऐप है उसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का कुछ रिव्यू यहाँ पे शो हो रहा है नीचे, आप एक बार देख लोगे। और यहाँ पे क्या है कि इंस्टॉल होने के बाद आप सिंपल से इसको ओपन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको एप्लीकेशन का शो हो जाएगा। तो एक बार आप ऐसे चेक कर लोगे आपके भी मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा दिल्ली मेट्रो ऐप के बारे में कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, आपका जो ट्रेवल है वो कितना ईजी हो सकता है, जो कि बहुत ही ईजी है। आपको अगर आप दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल से यहाँ पर पहला जो हमारा ऑप्शन आ रहा है प्लान योर जर्नी, तो प्लान योर जर्नी में डिपार्ट फ्रॉम और डेस्टिनेशन, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो जो यहाँ पे आपका डिपार्ट है वहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, आपको सिलेक्ट स्टेशन में आपको यहाँ से जहाँ से आपको जहाँ तक जाना है, जैसे अभी मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ बदरपुर बॉर्डर, जो कि मैं अभी यहाँ रहता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद डेस्टिनेशन जो हमारा है आपको वो चूज करना है आपको कहाँ तक जाना है। जैसे मेरे को अभी जाना है यहाँ से अक्षरधाम, अक्षरधाम मैंने सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद शो रूट एंड फेयर पे सिंपल से इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे अभी हमारा जो मैप है वो खुल के आ गया। सबसे पहला काम है कि मैप हमें जहाँ से हमने सेलेक्ट करा बदरपुर बॉर्डर से लेके और इनके बीच में कितने स्टेशन्स हैं और हमें कहाँ जाना है अक्षरधाम तक, जो कि ये मैप में भी शो हो रहा है। तो अभी मैं आपको आगे मैप के बारे में बताऊंगा कि, तो सिंपल से इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो शॉर्टेस्ट रूट दिखा रहा है 52 मिनट्स 23.62 किलोमीटर, ठीक है, जिसका फेयर दिखा रहा है 50 रुपया, जो कि जो इसका चार्ज लगेगा तो आपको 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। स्टेशन कितने इनके बीच में 17 स्टेशन दिखा रहा है। इंटरचेंज कितना है, आपको चेंज कितना करना पड़ेगा, जो कि 2 दिखा रहा है। नीचे अभी यहाँ पे देख रहा हूँ मैं बदरपुर बॉर्डर से क्या कि वायलेट लाइन पकड़ना है। वायलेट लाइन पकड़ने के बाद आपको टुआर्ड कश्मीरी गेट की तरफ जाना है, जो कि यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर भी शो हो रहा है आपको। अगर हमें यहाँ से जाना है तो हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बदरपुर बॉर्डर के हमें जाना होगा और टुआर्ड्स कश्मीरी गेट की तरफ वाली ट्रेन को हमें पकड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी इनके बीच में स्टेशन हो यहाँ पे ऑलरेडी 17 है, काउंटेड हो चुका है, ऊपर आपको दिखा दिया है। आपको चेंज 2 जगह करना है और यहाँ पे आपको एक पिंक लाइन पकड़नी है, यहाँ से पिंक लाइन लाजपत नगर में आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको टुआर्ड दिखा रहा है CUBR, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 300 हो रहा है फ्रेंड। ऐसे नीचे आओगे एक और दूसरा चेंज है, आपको ब्लू लाइन लेनी पड़ेगी टुआर्ड द्वारका सेक्टर 21 की तरफ, जो मेट्रो जा रही है ब्लू लाइन उसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो फाइनली आपका जो अक्षरधाम का डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैप में जैसे देख सकते हो, अब जैसे मेट्रो के अंदर बैठोगे तो बदरपुर बॉर्डर से जितने भी स्टेशन हो रहे हैं ये आपको वहाँ पे मेट्रो के अंदर भी डिस्प्ले होते रहेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अब आपको चेंज करना है यहाँ पे लाजपत नगर, जैसे यहाँ देख रहे हो लाजपत नगर पे चेंज है, आपको ये दूसरी लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको मयूर बिहार फेज 1 पे चेंज करना है, फिर फाइनली आप यहाँ पे अक्षरधाम पे आ जाओगे। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हो आपको सब कुछ पता चल गया, इसका किराया कितना है, आपको बदरपुर से अगर जाना है अक्षरधाम तक तो यहाँ से आपका चार्जेस कितना है वो शो हो रहा है, स्टेशन कितने हैं 17, इंटरचेंज कितना है 2, और आपको किस प्लेटफॉर्म से आपको मेट्रो पकड़नी हो, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको किसी स्टेशन के बारे में पता नहीं है तो सिंपल से इसको सर्च स्टेशन पे क्लिक करोगे। अगर मान लो मेरे को जाना है कहाँ पे, अगर मुझे पता नहीं है किसी स्टेशन के बारे में तो यहाँ पे जैसे मैं टाइप करता हूँ आनंद बिहार, ठीक है, ये जो ISBT है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो जो 2 लाइन्स हैं, एक ब्लू लाइन है नॉर्मल सर्विस यहाँ पे भी है और लाइन 7 है जो कि पिंक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या शो हो रहा है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्टेशन डिटेल जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, गेट कितने हैं ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, एस्केलेटर कितने लगे पड़े हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सारा चीज़ एक बार आप देख सकते हो, शॉपिंग के लिए बस स्टैंड कितने हैं, पुलिस स्टेशन कितने हैं, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सर्च स्टेशन में ये है कि आप किसी भी स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, किसी भी मेट्रो स्टेशन पर अगर आपको जाना है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी कुछ यहाँ पर आप एक बार सर्च स्टेशन में जाके देख सकते हो। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें, अगर आप दिल्ली में कहीं पे भी हैं तो यहाँ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके लोकेशन के हिसाब से वो मेट्रो स्टेशन शो हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ,
तो यहाँ पे देख रहे हो अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो हमारे नियर बाई जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं अब चाहूँ तो यहाँ से कहीं से भी मैं ट्रेवल कर सकता हूँ। तो ये था नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। और एक और चीज़, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट मेट्रो स्टेशन कौन सी होती है यहाँ पे आप देखना चाहो। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, बदरपुर बॉर्डर ठीक है से हमें जाना है कहाँ, राजीव चौक ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे राजीव चौक हम टाइप कर लेंगे, राजीव चौक टाइप करने के बाद सर्च मेट्रो टाइम पे क्लिक कर देंगे ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट मेट्रो है वो 6:12 और 9 सेकंड का है, जो पहला मेट्रो हमारी यहाँ पे आती है, और लास्ट मेट्रो हमारी है 11:03 और 49 ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है मेट्रो का, तो इससे आपको पता चल जाए कि आपको इतने बजे से इतने बजे के बीच तक हमें ट्रेवल करना है इन्हीं स्टेशन के बीच में। जो हमारा पहला मेट्रो आती है 6 बजे आती है, अगर आप 6 बजे से पहले जाओगे तो आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आप 6 बजे जाओगे तो आपको मेट्रो वहाँ पे मिल जाएगी। और लास्ट मेट्रो हमारी है वो 11:03 तक वो आती है ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन रिचार्ज करने का प्रोसेस। अगर आपके पास कार्ड है तो आप कैसे दिल्ली मेट्रो का जो ऑफिशियल वेब है तो वहाँ से आप क्या कि अपने कार्ड का रिचार्ज कर सकते हो। तो सिंपल से यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, अमाउंट डालने के बाद जो कैप्चा कोड है उसको डालना है, और कंटिन्यू पे इसको क्लिक कर दोगे तो जो है कि आपका कार्ड रिचार्ज हो जाएगा। तो ये रिचार्ज का भी सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये स्टेशन अलर्ट क्या होता है, जैसे अब हमें स्टेशन अलर्ट लगाना है ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर अगर डिपार्ट फ्रॉम, मैं अगर बात करूँ यहाँ से बदरपुर बॉर्डर डेस्टिनेशन हमारा जो भी है, जैसे मान लो मैं दिखाने के लिए राजीव चौक ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट रूट पे हम क्लिक करेंगे तो फ्रेंड जैसे आप बदरपुर बॉर्डर से राजीव चौक पहुँचोगे तो 46 मिनट के बाद तो आपको एक अलर्ट भी मिल जाएगा कि आप अपने डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुँच चुके हो। अब यहाँ पे मेट्रो का मैप है तो मैप से भी आप अपने ट्रेवल को ईजी कर सकते हो, जो आपका डेस्टिनेशन है वो फाइनली यहाँ से पहुँच सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ बल्लभगढ़ से, तो यहाँ पे देख रहे हो अगर हमें जाना है कालका जी मंदिर, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है, नेहरू प्लेस जाना है, तो ये सारी मैप में ये सारी रूटें दिखाई दे रही हैं, कौन सी लाइन पकड़नी है वो लाइंस भी यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे वायलेट है तो यहाँ पे शो हो रहा है, पिंक है जैसे यहाँ पे हमें हुड्डा सिटी सेंटर को चौक एमजी रोड से इधर की तरफ जाना है, तो ये सारी चीज़ें लाइंस यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आप मैप के थ्रू भी इजीली आप पता कर सकते हो। तो फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे फेयर कैलकुलेटर शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर कहीं का भी किराया पता नहीं है, जैसे मेरे को पता नहीं है, मैं कभी गया नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ से डालूँ बदरपुर, जैसे मान लो कि मैं गया नहीं हूँ कहाँ पे, जैसे मैं यहाँ से डालूँ यमुना नगर ठीक है फ्रेंड, यमुना नगर का हम चार्जेस देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ बदरपुर बॉर्डर से यमुना नगर का जो हमारा कैलकुलेटर फेयर है, देखते हैं कितने रुपये का चार्जेस लगता है। तो अभी यहाँ पे नॉर्मल फेयर जो दिखा रहा है 50 रुपये, और स्पेशल फेयर हमारा जो है 40 रुपीज़ ठीक। अगर आपको किसी भी स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना तो वहाँ का जो चार्जेस है यहाँ पे फेयर कैलकुलेटर में आप एंटर करके डिपार्च और डेस्टिनेशन कैलकुलेट फेयर पे क्लिक करोगे तो आपका वो जो चार्जेस है वो शो हो जाएगा। इसमें ये फीचर है। टूर गाइड में क्या है कि फ्रेंड, टूर गाइड में क्या कि अगर आप दिल्ली में हो तो आपको कहाँ कहाँ पर घूमने जाना है, यहाँ पर आपको सारा कुछ शो हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस है वहाँ पे आप जा सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको अक्षरधाम टेम्पल घूमने जाना है तो यहाँ पे आप अक्षरधाम सेलेक्ट कर लोगे ठीक है। तो यहाँ पे स्टेशन डिटेल प्लानिंग और जर्नी सब कुछ शो हो जाएगा, एक बार आप चेक कर लोगे। कालका जी मंदिर, लोटस टेम्पल, आपको कहीं भी जाना है हुमायूं टॉम, इंडिया गेट, आज़ाद हिंद, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, ये सारे कुछ हैं। तो बहुत कुछ घूमने के लिए दिल्ली में, आप यहाँ पर सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है और वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन उस स्टेशन की मिल जाएगी। तो अदर इन्फॉर्मेशन आप जैसे इस पर सिलेक्ट करोगे तो DMRC का हेल्पलाइन, अगर आपको दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, और यहाँ पे CISF हेल्पलाइन नंबर है तो उस पर भी आप कॉल करके, आप अगर आपको कोई जेन्यून इशू है तो यहाँ पर आप बात करके उनको प्रॉब्लम बता सकते हो। अब DMRC नेटवर्क इन्फॉर्मेशन में क्या है कि जो मेट्रो की लाइन्स है वो कितनी है, यहाँ पे सब कुछ आपको शो हो रहा है। लाइन्स आप देख सकते हो, रेड, येलो, ब्लू, ब्लू की 2 लाइन है, ग्रीन, वायलेट, पिंक, मैजेंटा, ग्रे, एयरपोर्ट, ऑरेंज लाइन है, और रैपिड मेट्रो है ठीक है फ्रेंड। तो इस पे आपको इसको छोड़ देना है। टोकन एंड स्मार्ट कार्ड, तो आपको टोकन और स्मार्ट कार्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। परचेस फ्रॉम टिकट काउंटर से भी टोकन ले सकते हो, और वेंडिंग मशीन से भी आप ले सकते हो। तो या तो आप वेंडिंग मशीन से आप कैश
कैश डाल के निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको टोकन को काउंटर से भी ले सकते हो। वैलिडिटी जो इसकी होती है वैलिड फॉर डे ऑफ इट्स परचेज, तो जिस दिन आप इसको, जो इसकी वैलिडिटी होती है वो एक ही दिन के लिए होती है। जो रिफ़ंड का टाइम होता है, ओनली अनयूज टोकन कैन बी रिफंडेड, तो इसमें क्या कि आप अगर टोकन को यूज कर चुके हो तो रिफ़ंड नहीं होगा विद इन 60 मिनट के अंदर। अगर आप मान लो अपने टोकन ले लिया और आपको मान लो अचानक से कोई दिक्कत आ गई तो आपको अगर टोकन कैंसिल करना है तो उसको 60 मिनट के अंदर अंदर उसको आप रिफ़ंड कर सकते हो। और आपको कहाँ करना है, फ्रॉम टोकन इश्यू स्टेशन, आपने जहाँ से टोकन को इश्यू कराया है वहाँ से आप इसको रिफ़ंड कर सकते हो। ओनली वन वे जर्नी इज़ परमिटेड, ठीक है। स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड में क्या बेनिफिट है, सेव टाइम है, अवॉइड स्टैंडिंग इन क्यू को, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड डेस्टिनेशन स्टेशन, मिनिमम डिस्काउंट 10% एवरी जर्नी। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है मेट्रो कार्ड, तो उससे क्या कि आपका 10% का सेविंग होता है, डिस्काउंट होता है। और इन कार्ड को आप क्या कि DTC क्लस्टर और मेट्रो फीडर बसेस में यूज कर सकते हो। इसको परचेस कहाँ से कर सकते हो, कस्टमर केयर सेंटर से, स्मार्ट कार्ड वेंडिंग मशीन से, जो इसका फेयर है जो कि 150 पैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस और 100 रुपये एड वैल्यू, ठीक है। इसका 150 रुपये चार्जेज, इसमें आपको क्या है कि 50 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस मिलेगा और 100 रुपये की इसमें क्या कि अमाउंट आपको ट्रेवल करने के लिए मिलती है। रिचार्ज जो आपको कर सकते हो ऑल कस्टमर केयर से, एट कस्टमर केयर सेंटर से आपको मिनिमम क्या है कि 200 रुपये का रिचार्ज करना होगा। मेट्रो स्टेशन पर आपको इससे 200 से नीचे का रिचार्ज कार्ड में नहीं होगा। देयर आफ्टर द मल्टीपल ऑफ 100 रुपये। अगर आप इसको अपने ऑनलाइन करते हो जैसे पेटीएम, फ़ोनपे या किसी चीज़ से, तो इसको आपको क्या कि 100 रुपये से तक का रिचार्ज कर सकते हो। पेनाल्टीज़ क्या क्या लगती है मेट्रो स्टेशन के अंदर, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस दे रखे हैं, अगर आप मेट्रो के अंदर ये सारी चीज़ें अगर गलत काम करते हो तो आपको इतने सारे का पेनाल्टीज लग सकता है। सेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको ये सारी चीज़ें मेट्रो के अंदर नहीं करना है। एक बार आप इसको पढ़ लोगे बी केयरफुली, आपको ये सारी चीज़ें मेट्रो के अंदर नहीं करना और आपको पेनाल्टीज लग सकते हैं जो कि। तो ये सारा था आज की वीडियो में फ्रेंड, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपका कोई क्वेरी हो मेट्रो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो